नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान तो मिलता ही था, लेकिन अब नशे का सामान भी मिलने लगा है। और ये आरोप हम नहीं, दरअसल बीजेपी पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है। दरअसल कल जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए 5,600 करोड़ का ड्रग्स बरामद किया था, उसको लेकर राजनीति बढ़ गई है। और ड्रग्स में जो पकड़ा गया मास्टरमाइंड तुषार गोयल है, उसके संबंध जो है वो कांग्रेस पार्टी से बताए जा रहे हैं। बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और उनके तरफ से कई तस्वीरें भी जारी की गई है और उन्होंने पूरा इसके केस का खुलासा किया है। वो ट्वीट आपको दिखा रहे हैं जो अभी थोड़ी ही देर पहले बीजेपी की तरफ से किया गया, जिसमें कई तस्वीरें तो है ही तुषार गोयल की, जिसमें कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेता नजर आ रहे हैं। और इस ट्वीट को करते हुए लिखा गया है कि देश के युवाओं को सीधे नशे में ढकेलने वाले इतने बड़े ड्रग्स कांड के आरोपी तुषार गोयल इंडियन यूथ कांग्रेस के आरटीआई सेल के चीफ के साथ कांग्रेस के आधिकारिक पदाधिकारियों का सीधा संबंध दिखाता है कि अगर इन्हें थोड़ी सी भी शक्ति मिले तो ये देश को किस गर्त में धकेल देंगे। ऐसे खतरनाक इरादे रखने वाली कांग्रेस से सावधान रहे, सतर्क रहे। हालांकि इस पूरे आरोप के बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी रिएक्शन आया है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि उनका तुषार गोयल से फिलहाल कोई लेना देना नहीं है। तुषार पिछले 2 साल पहले ही कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं, लेकिन ड्रग्स सिंडिकेट को लेकर ये जो पूरा खुलासा हुआ है उसमें कांग्रेस पार्टी कैसे फंसती जा रही है, कैसे इस पर राजनीति हो रही है, तमाम बड़ी अपडेट के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। तुषार गोयल, जिसको पुलिस ने हिरासत मिल गया, जो पूरा मास्टरमाइंड बताया जा रहा था, तस्वीरें भी सामने आ गई है, क्या कनेक्शन है इस आरोपी का कांग्रेस पार्टी के साथ? 5,600 करोड़ रुपए का ड्रग्स मिला है। कोई ये सड़क छाप ड्रग्स बेचने वाला कोई हैंडलर नहीं है, ये सरगना है। इसके गोदाम से सामान मिला है और इसे तो वेणुगोपाल साहब के साथ भी तस्वीरें आ रही है और हुडा साहब के साथ भी तस्वीरें आ रही है और भी कई सारे कांग्रेसी लीडर्स के द्वारा इनको जो है बकायदा इज्जत सम्मान दिया जा रहा है। मतलब पॉकेट में पैसा है, तभी तो ये केसी वेणुगोपाल से मिलने के लिए तो बड़े बड़े लीडर को टाइम नहीं मिलता जी। ये ड्रग्स का जो सरगना है उससे आप बड़े मुस्कुराते हुए मिल रहे हो, सवाल तो पूछे जाएंगे। और कोई कांग्रेसी नेता नहीं है, ये ऑफिस ब्यूरर है, आरटीआई सेल का ये चीफ है। आप ये देखिए, चेयरमैन दिल्ली प्रदेश आरटीआई कांग्रेस पार्टी के जो टॉप सर्किल के जो लीडर्स होते हैं इसमें ये शुमार कर रहा है। अब कांग्रेस पार्टी कुछ भी कहे, मामला क्या है इस चीज को समझिए। भारतीय जनता पार्टी इसलिए सामने आ रही है क्योंकि कल राहुल गांधी ने अपनी मोहम्मद की दुकान जो सजाई उसमें ये कहा कि भाई चिट्टा मतलब ड्रग्स ये हरियाणा में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है भाई? ये वेणुगोपाल के साथ तस्वीर, ये कांग्रेस पार्टी का लेटर हेड जिसमें उसको अपॉइंट किया जा रहा है। अब ये सारी घटना महिपालपुर की है, महिपालपुर की ही नहीं है, ये मामला दुबई से जुड़ा हुआ है। ये मुस्लिम वोट बैंक के लिए ये सारी चीज़ें जो करते हैं, जिस तरीके से दाऊद इब्राहिम का नाम नहीं लेते, ये दाऊद इब्राहिम का ही एक लिंक इसमें समझ में आ रहा है। दुबई से माल आता था, दुबई में ड्रग्स का कारोबार कौन करता है? दाऊद इब्राहिम करता है, डी कंपनी के लोग करते हैं, इसमें कोई छुपी ढकी बात तो है नहीं। अब कल क्या हुआ, 3 महीने से दिल्ली पुलिस इस जुगाड़ में लगी हुई थी कि कैसे पकड़ा जाए। और जो लोग दिल्ली से वाकिफ नहीं हैं, ये महिपालपुर है और पैदल आप क्रॉस करके जा सकते हैं गुड़गांव, गुड़गांव और वहां से आप हरियाणा घुस गए। ये दिल्ली के दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर का इलाका है जहां पे इसका गोदाम मिला है। अब 3-4 महीने से ये पड़खा जा रहा था कि इतना माल कहां से आ रहा है। ये कह रहे हैं कि भाई अडानी के पोर्ट से मिला, अडानी के पोर्ट से मिला। अरे भाई, अडानी के पोर्ट से ड्रग मिला तो उसको पकड़ा कौन?
उसको पकड़ने वाले तो गुजरात की पुलिस है, और ये धंधा चल रहा हो तो पुलिस वाले थोड़ी पकड़ते, लेकिन इसका जवाब कौन देगा? तो एक शख्स, भारत नाम के शख्स को आइडेंटिफाई किया गया, तो वहां डिलीवरी होती है, डिलीवरी होती है, और डिलीवरी के दौरान पकड़ा जाता है दो शख्स, एक का नाम हिमांशु और दूसरे का नाम औरंगजेब। ये हिमांशु और औरंगजेब को जब गिरफ्तार करके ले जाया जाता है और थोड़ा शरीर का तापमान बढ़ाया जाता है और पूछताछ की जाती है पुलिसिया स्टाइल में, ये उगलना शुरू कर देता है। उसके बाद ये बताता है कि हमारा एक गोदाम है, और ये जो हमारा जो सरगना है तुषार, ये हमारा बॉस है। हिमांशु उसके साथ सहायक की तरह रहता था, लेकिन डिलीवरी का काम ये मुंबई से दिल्ली में लाना जाना, ये जो घूम घूम करके ड्रग्स को बांटने का काम, ये औरंगजेब किया करता था। तो उन्होंने बताया कि भाई माल कहाँ है? बोला गोदाम में है। गोदाम किस चीज़ की है? तो कपड़े की। तो कपड़े रखने वाला जो बॉक्स होता है, वहाँ पे जब छापा मारने के लिए वहाँ पे दिल्ली पुलिस की टीम पहुँची तो इनके तो होश ही उड़ गए, होश उड़ गए। 5600 करोड़, मतलब 560 केजी कोकीन मिला वहाँ पे, मेरिवाना भी मिला, वो लोकल टर्म्स में आप समझिए उस तरह का गांजा, जिसे कहाँ से लाया गया था? फुकेट से लाया गया था, थाईलैंड से फ्लाइट पे लेकर के आए थे। तो जो इस तरह का कारोबार, एक बात समझ लीजिए, बिना पॉलिटिकल, बिना ब्यूरोक्रेटिक और बिना पुलिसिया संरक्षण के आप ड्रग्स का कारोबार नहीं कर सकते। और ये कोई कह दे कि ये ड्रग्स का कारोबार कर रहा था कांग्रेस का लीडर, और कांग्रेस में किसी को मालूम नहीं था, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि सबको ये मालूम हो जाता है कि भाई ये पैसे कहां से लाकर के दे रहा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। अब हुडा साहब के साथ भी फोटो है, मतलब ये लोग सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और जब इनको पकड़ा गया तो मालूम चला कि भाई ये तो दुबई से पूरा इसका कनेक्शन है। तो अब ऐसे में कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? भारतीय जनता पार्टी को आपने ठीक, आपने ही मुद्दा उठाया, आपने ही कहा भाई ड्रग्स का जो है बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, उसके खिलाफ आपने क्या किया? कल ही राहुल गांधी पूछ रहे थे कि ड्रग्स से जो है पूरा यूथ खराब हो रहा है, मालूम चल रहा है कि ड्रग्स का कारोबार करने वाला कोई और नहीं बल्कि ये कांग्रेसी नेता है। तो ये तो अजीबोगरीब राजनीति कर गए राहुल गांधी, ये मोहब्बत की दुकान। राजनीति से कैसे फंसेंगे, क्योंकि 5 तारीख को हरियाणा में वोटिंग होनी है, और जिस तरह से दीपेंद्र हुड्डा के साथ उसकी तो तुषार गोयल जो आरोपी बताया जा रहा है, मास्टरमाइंड जो है, उसकी तस्वीरें आ रही हैं, एक मोबाइल फोन का भी स्क्रीनशॉट सामने आया है जिसमें उनका नंबर भी सेव है, ऐसे में परसों वोटिंग, ऐसे में कांग्रेस पार्टी क्या? देखिए मैंने कहा बिना पॉलिटिकल संरक्षण के ये सारी चीजें नहीं हो रही है। कोई शख्स 5600 करोड़ का माल अपने गोदाम में रखा हुआ है ड्रग्स, क्या लग रहा है एक दिन में कर रहा होगा? ये तो वर्षों से कर रहा होगा, ये तो धीरे धीरे ड्रग पेडलिंग से काम इसने शुरू किया होगा, धीरे 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 अब जो है सरगना बन गया। और यही सवाल सुधांशु त्रिवेदी पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि क्या राहुल गांधी आपको इसकी जानकारी नहीं थी? भाई बिल्कुल जानकारी होगी, जानकारी नहीं है तो आप बताएं कि ये सारा काम चल रहा है, और आप केसी वेणुगोपाल तक कैसे पहुंच गए ये शख्स, कोई बता दे। मैं तो ऐसे मैंने कई सारे लोगों के नाम में गिना दूं, एमपीज और एमएलएज जो कांग्रेस पार्टी के हैं, जिनकी एक भी तस्वीर केसी वेणुगोपाल के साथ नहीं होगी। बड़े बड़े लीडर इसलिए कांग्रेस पार्टी को छोड़ के चले गए क्योंकि केसी वेणुगोपाल ने उनको टाइम नहीं दिया, उनसे बात तक नहीं की, उनका सेक्रेटरी उठा रहा है। और ये ड्रग माफिया, ये सरगना, वो साथ में फोटो खींचवा रहा है, साथ में वो उसका फ़ोन नंबर मिल रहा है कांग्रेस लीडर्स का उसके फ़ोन के ऊपर। इसका मतलब ये है कि ये ड्रग्स का धंधा भी कर रहा होगा, ये सवाल तो पूछा जाएगा कांग्रेस पार्टी से, और खटाखट खटाखट कुछ पैसे कांग्रेस पार्टी को भी दे रहा होगा। तो ये जो खटाखट खटाखट जो धंधा चल रहा था, अब कांग्रेस पार्टी को बताना चाहिए, राहुल गांधी को बताना चाहिए, क्योंकि अभी तक आप क्या कह रहे हो, आप कह रहे हो कि नहीं 2 साल से इसका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं था। आप तो 50 साल पुराना इतिहास चले जाते हो, 50 साल पुराना इतिहास खंगालते हो, और 2 साल पहले तुम्हारा एक ऑफिस बेयरर
ड्रग्स के काम में लगा हुआ है, जिस समय ये काम में लगा हुआ होगा, बस ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो शख्स अभी 5600 करोड़ का माल अपने गोदाम में रखे हुए हो और वो 2 साल पहले बिल्कुल क्लीन होगा, ये इम्पॉसिबल है। कांग्रेस पार्टी को ये जवाब देना चाहिए और ये मसला इलेक्शन के अंदर ये जोर शोर से अगले 2 दिन तक ये उठता रहेगा। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो अब राहुल गांधी की दुकान में नशे का भी सामान मिल रहा है। दरअसल कल दिल्ली के महिपालपुर में 560 किलोग्राम का कोकीन बरामद हुआ था, जिसकी कीमत जो है वो 5600 करोड़ बताई जा रही है, जिसपे पुलिस की तरफ से एक्शन लिया गया, 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन जिसमें मास्टर माइंड जो है तुषार गोयल, उसका कनेक्शन अब कांग्रेस पार्टी के साथ निकलता हुआ सामने आ रहा है, जिससे कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से फंस गई है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।